चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन का एक एरर था हिंदी अनुवाद का, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, उसकी आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि इस क्वेश्चन में जो एरर है उसका एक्सपर्ट द्वारा फिर से एक बार सॉल्यूशन करवाया जाए और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 30 नवंबर को होगी। तो एनटीए इस पर एग्री हो गया है, तो इस क्वेश्चन का दोबारा से एक बार रिव्यू होगा और उसके बाद में क्या होता है ये तो 30 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अभी काउंसलिंग और लेट होगी, यानी कि 30 नवंबर से पहले तो काउंसलिंग स्टार्ट होना मुश्किल है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी इस क्वेश्चन का आगे क्या होता है, एनटीए इसका क्या आंसर देता है, ये तो बात की बात है। आगे क्या होता है इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि काउंसलिंग अब जो 30 नवंबर को डिसीजन आएगा उसके बाद ही स्टार्ट होगी एमसीसी की काउंसलिंग। मिलेंगे नई अपडेट के साथ में। एक हियरिंग और अभी प्रोग्रेस में है, वो सीरियल नंबर 10 पर लगी हुई है, कोर्ट नंबर 4 में। ये कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 8 पर लगी हुई थी। श्योरी दूसरी जो हियरिंग है OBC EWS की, वो हियरिंग सीरियल नंबर 12 पर लगी हुई है। अभी जैसे ही उसकी हियरिंग होगी, उसका जो भी डिसीजन होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।